मुंह मांगी मुरादे देने वाली माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा के भीतर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की तीन भव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आइए जानते हैं कि माता वैष्णो देवी कौन है, क्या है उनका इतिहास। देश में विपरीत परिस्थितियां होने पर समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश करके भक्तों की रक्षा की है। देवताओं में एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किए। ये तीनों रूप ही रज तम और सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण कुंभकर्ण खरदूषण ताड़का आदि राक्षसों ने अत्यधिक अत्याचार आरंभ किए, तब भगवती की समस्त शक्तियों ने एकत्र होकर धर्म और साधुओं की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज समूह से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप एक सुंदर दिव्य कन्या उसी समय प्रकट हुई। उस कन्या ने महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? तो महाशक्तियों ने उस दिव्य कन्या से कहा, इस संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा एवं उसके प्रचार के लिए उत्पन्न किया है। अब तुम दक्षिण भारत में जाकर रत्नाकर सागर के घर पुत्री बनकर जन्म लो। वहां तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा होगी। उसके बाद तुम आत्म प्रेरणा से धर्महित सब कार्य करोगी। महादेवियों की इच्छा अनुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में अवतार लिया। कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। बाद में यही कन्या भगवान विष्णु के अंश से पैदा होने के कारण वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध हुई, और जिस धर्म का प्रचार कन्या ने किया वो वैष्णव धर्म कहलाया। थोड़े समय में ही देवी त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषियों मुनियों और देवताओं को भी आकर्षित कर लिया। प्रसिद्धि भी फैलती गई और दूर दूर से लोग कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर तप करना आरंभ कर दिया, और वहीं भगवान रामचंद्र जी के ध्यान में लीन होकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। रावण द्वारा सीता जी का हरण किए जाने पर श्री राम वानर सेना सहित जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां समाधि में बैठी उस दिव्य कन्या को देखा। श्री राम के पूछने पर त्रिकुटा ने अपना परिचय दिया और तपस्या का कारण बताया कि मैंने आपको पति के रूप में पाने का निश्चय किया है। यह सुनकर भगवान राम ने उत्तर दिया कि हे सुंदरी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लिया है, किंतु तुम्हारे तप का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, इसलिए मैं किसी दिन तुम्हारे पास वेश बदल कर अवश्य आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर कन्या के पास आए, किंतु वह उन्हें न पहचान सकी। तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्कि अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर तीन शिखरों वाले
त्रिकुट पर्वत की सुरम्य गुफा में जहाँ तीन महाशक्तियों का निवास है तपस्या में मग्न रहो, वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। लांगुर वीर तुम्हारे पहरी रहेंगे, समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णवी देवी नाम से प्रसिद्ध होगी, जिससे आज हम उन्हें वैष्णो देवी भी कहते हैं। विश्वास किया जाता है कि रत्नाकर सागर की कुमारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से ही सुंदर गुफा में विराजमान है और हम सब उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और जो भी अपनी इच्छा हो माता को बोलते हैं और माँ वैष्णो देवी की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है। तो आप सब भी माता वैष्णो देवी की इस कथा को सुनिए और मन की मुरादें पूरी कीजिए। मात्र इस कथा को सुनने से ही वैष्णो देवी यात्रा का पुण्य व्यक्ति को मिल जाता है। तो पहले अच्छे से कथा सुने, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कथा कहानियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।